इस पूरे खेल के अंदर पैसा भी है और एक दूसरे की जानकारी भी नहीं होती थी इन आतंकवादियों को कि कौन सा व्यक्ति जो है वो कौन सा काम करवा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक चर समाचार से। पिछले दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी, उधमपुर के सलाथिया चौक में आतंकवादियों ने एक धमाका किया था और उस धमाके में कुछ आतंकवादी भी जो थे वो गिरफ्तार किए गए थे और अब जांच जो है वो जारी है और आगे कई सारी कड़ियां जो हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आतंकवादी जो हैं वो किस तरह से कार्य करते हैं। एक शख्स अगर पैसा ला रहा है तो आगे जब उसको उसका सिर्फ उतना ही काम होता था कि वो पैसा ला रहा है और आगे जिसको उसको देना होता था वो उसको देने के बाद चला जाता था, दूसरे को ये पता नहीं होता कि ये पीछे किसने दिया है। और ऐसे ही तीसरा जो धमाका करने वाला होता था वो कोई और। इस पूरे खेल के अंदर पैसा भी है और एक दूसरे की जानकारी भी नहीं होती थी इन आतंकवादियों को कि कौन सा व्यक्ति जो है वो कौन सा काम करवा रहा है। तो आज इस खबर को हम विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। उधमपुर सलाथिया चौक में जो धमाका हुआ था उसमें कुछ अहम जानकारियां निकल कर सामने आ रही थी कि आई हैं कि ये किस तरह से आतंकवादी जो हैं वो काम कर रहे थे और कैसे इन लोगों ने वहां पर उधमपुर में सलाथिया चौक में धमाका किया और कैसे उसको अंजाम दिया। तो ये खबर विस्तार से देखिए। उधमपुर के सलाथिया चौक में हुए धमाके मामले में पुलिस की जांच जारी है। तीनों आरोपियों की रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल कुछ बातों का पता चला है। इस पूरे मामले में एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सीमा पार बैठे आतंकी मोहम्मद आमीन उर्फ खुबेब पूरे सिस्टम के साथ नेटवर्क को चला रहा था, अपने मददगारों से वो कांड करवा रहा था। लेकिन एक दूसरे मददगार के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं होती थी। पूरे साइकिल नेटवर्क की तरह काम किया जा रहा था जिसमें पैसों का खूब इस्तेमाल किया जा रहा था। पैसों को जमा करने वाले कोई, विस्फोटक को लाने वाले कोई और फिर हमला करने वाला कोई और होता था। तीनों को एक दूसरे के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। जानकारी के अनुसार इस मामले की जांच के दौरान पाया गया कि विस्फोटक को नसीर अहमद खान लेकर आया था जो डोडा जिला में वर्ष 2001 से लेकर 2006 तक लश्कर का सक्रिय आतंकी रहा। वो पिछले साल सितंबर तथा इस साल जनवरी में जम्मू के बेली चिराना में आईडी लेकर आया था। उससे पूछताछ के दौरान पता चला कि उसे पैसे मिलते थे, पैसे विस्फोटक के डिब्बे के साथ ही लगे होते थे। उसे पहले से बताया गया होता था कि पैसे विस्फोटक के डिब्बे में ही पड़े हैं, वो पैसे निकालकर विस्फोटक को उस जगह पर छोड़ देता था जहां पर उसे छोड़ने के लिए समझाया गया होता था। उसके आगे इस सामान को मोहम्मद रमजान सोहेल लेकर गया जिसने बाद में हमला किया था। रमजान को फोटो भेजा जाता था, फिर वो उस जगह पर जाकर विस्फोटक को उठाता था। उसके अलावा तीसरे आरोपी खुर्शीद की पैसों का जुगाड़ करने में भूमिका थी। वो पैसों का जुगाड़ करके आगे देता था। उसने ही रमजान के खाते में हमला करने के लिए पैसे डाले थे। खुर्शीद का साला सक्रिय आतंकी है जो सीमा पार से ही ऑपरेट कर रहा है। इन बातों का पता चलने के बाद अब पुलिस टीम निसार को लेकर जम्मू के बेली चराना में भी आएगी क्योंकि यहीं से आईडी को लेकर जाया गया था। पुलिस की अभी तक की जांच में साफ हो गया है कि जिन दो आतंकियों का नाम आया है वो दोनों सीमा पार बैठे हुए हैं। वो चनाब वैली में आतंकवाद को फिर से बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए उनके कई मददगारों को उन्होंने सक्रिय कर दिया है। तो इस खबर से आप स्पष्ट रूप से जान पाए होंगे कि किस तरह से आतंकी जो है वो कार्य करते हैं।
बेली चलाना एक इन्होंने स्पॉट बना रखा। कई और भी जम्मू के अंदर कुछ स्पॉट्स हैं जहां का इस्तेमाल, जिन जगहों का इस्तेमाल जो है वो आतंकी करते हैं, और इन जगहों पर हमें लगता है कि सुरक्षा कड़ी कर देनी चाहिए ताकि ये आतंकी इन जगहों पर घुस ना सके, क्योंकि बाकी जगहों पर तो इनको घुसने का मौका मिलता नहीं है। लेकिन आपने देखा कि इनका तरीका क्या है, किस तरह से ये लोग अब घटना को, हमले को अंजाम देते हैं, किस तरह से योजनाबद्ध तरीके के साथ, ताकि किसी को भी पता नहीं चले कि पीछे कौन है, जिसने लाया पैसा वो कौन था, आगे जिसने दिया वो कौन था, तीसरे ने जिसने हमला किया उसको भी पता नहीं है कि कौन है। तो किसी को भी किसी के बारे में जानकारी नहीं थी होती है, और जब इनसे पूछा जाए तो फिर ये गोल गोल बातें करते हैं, क्योंकि इनको पता होता नहीं है कि हुआ क्या है, बस पैसों के लिए ये सब किया जाता है। और ये लोग जम्मू कश्मीर के हालात को बिगाड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ और भी जानकारियां इस तरह की आ रही हैं कि ये और ज़्यादा माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार, तो इनको लगता है कि वो मोदी जो है, मोदी सरकार को हटाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कोई ना कोई तिकड़म जो है वो लगाया जाए। तो ये लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए सुरक्षा कड़ी कर देनी चाहिए और इन पर हर किसी जगह पर निगरानी करनी चाहिए, क्योंकि आजकल इस तरह की भी बातें हमने कुछ कवरेज करके भी दिखाया कि ये लोग लड़कों को भी उठा रहे हैं, तो ये लड़कों को उठाने वाला मामला भी ठीक नहीं लग रहा है। इसलिए रात को भी सुरक्षा कड़ी कर देनी चाहिए और आने जाने वाले हर व्यक्ति से पूछताछ की जानी चाहिए, उनके कार्ड चेक करने चाहिए ताकि ये लोग पता चले कि कहाँ जा रहे हैं, इनकी डिटेल भी रखनी चाहिए, नंबर भी रखना चाहिए रात को जो भी जाए, ताकि इन चीज़ों पर कंट्रोल किया जा सके। बाकी इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखें, और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाज़त, नमस्कार।